हमने न्यूटन सेकेंड लॉ अभी हमने देखा। देखो हमने बात की थी दो चीजों में करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, एक था एफबीडीज वाला सारा कंसेप्ट देखेंगे कि एफबीडी लगा के जो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है एक्सेलरेट कर रही है एफबीडी बनाएंगे उसमें न्यूटन लॉ लगाएंगे और डिफरेंट चीजें फाइंड करेंगे जैसे टेंशन हो गया नॉर्मल हो गया इन सब चीजें वैसे हमने क्वेश्चन देखे। ठीक है, और दूसरी चीज हमने जो चर्चा करनी थी वो थी जो उसकी डेफिनेशन में होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ जो कहता है विच इज स्ट्रेट अप चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज करेक्ट, तो हम चेंज ऑफ मोमेंटम देखेंगे कि अगर मेरे पास एक चीज बॉडी है जो किसी वेलोसिटी के साथ जा रही है और कुछ टकरा के किसी तरफ मुड़ गई तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कितना कितना मोमेंटम का चेंज आएगा। ठीक है, तो वो सब चीजें हम इसमें देखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो वी विल स्टडी अबाउट द चेंज इन मोमेंटम इन डिफरेंट केसेस। राइट, तो टॉपिक बनाएंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन डिफरेंट केसेस। ठीक है, तो इसमें हम डिफरेंट केसेस करेंगे। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम इज अ वेक्टर और अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करेक्ट, इट इज अ व्हाट वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो चेंज है वो भी ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी अगर मुझे लिखना है, चेंज इन मोमेंटम अगर डेल्टा पी मुझे लिखना है तो दैट विल बी व्हाट, पी फाइनल पी एफ माइनस पी इनिशियल। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑब्वियसली व्हिच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन एनी डैम केस। दिस इज एप्लीकेबल, डेल्टा पी इज पी एफ माइनस पी आई। एंड अगर मुझे कुछ जो मोमेंटम्स हैं वो दे रखे हैं अगर वेक्टर फॉर्म में तो सीधा मैं वेक्टर को वेक्टर से माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, अगर कुछ मैग्नीट्यूड दे रखा है साथ में एंगल दे रखा है तो मैं उसको रिजॉल्व कर सकता हूँ और वेक्टर बना सकता हूँ, तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, यस अनुरीत या तो रिकनेक्ट कर लो, अनुरीत को बोलना, पता नहीं आ रही है नहीं आ रही है आवाज। चलो मैं बोल देता हूँ कनेक्ट। ठीक है, नमन, एफ और आई है फाइनल और इनिशियल। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट? चलो अब डिफरेंट केसेस देखते हैं। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस है इफ अ बॉडी मूविंग विद सम वेलोसिटी स्ट्राइक्स अ रिजिड सरफेस। एंड स्टॉप्स, तो उस केस में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? तो एक रिजिड सरफेस है, एक बॉडी आई और उससे स्ट्राइक की और बाद में रुक गई। ठीक है, तो बॉडी थी जिसका मास था मान लो m और इनिशियल उसकी वेलोसिटी थी मान लो u, वो रुक गई वहां पे। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं? इट इज m u i कैप, राइट? एंड दिस इज इनिशियल सर मोमेंटम। पी फाइनल, फाइन, हाँ जी, एम मास है, एम मास है, ओके सर, एम तो मास ही होता है। पी फाइनल जीरो जीरो, क्योंकि वो रुक गई, इट स्टॉप्स, तो पी फाइनल हो गई जीरो। तो इसमें डेल्टा पी क्या होगा? पी फाइनल, ये बच्चों ध्यान रखना कि हमें पी फाइनल माइनस इनिशियल करना है। बहुत बार क्या होता है बच्चे जो है वो इनिशियल माइनस फाइनल कर देते हैं तो साइन क्या है गड़बड़ हो जाएगी।
अगर आपको साइन के साथ पूछा है तो माइनस एम वाई. सेकंड, इफ अ बॉडी रीबाउंड्स after striking a surface horizontally. ऊपर वाला भी horizontally की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. oblique angle पे हम strike करवाते हैं बाद में, अभी हम horizontally की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, P initial जो है वो होगा M, मान लो U I cap, बॉडी जो है वो U से स्ट्राइक की और मान लो V से रिबाउंड कर गई, मान लो कुछ उसने लूज कर दिया M, तो उसका फाइनल मोमेंटम जो है वो कितना हो जाएगा M MV. वो भी लिखवाऊंगा, वो अगर माइनस सेम वेलोसिटी से रिबाउंड कर जाए तो यू कैप ही हो जाएगा. इसमें डेल्टा पी जो है वो हो जाएगा एम. P final minus P initial. ठीक है, तो final minus initial करेंगे तो minus M V I cap minus M U I cap. 3. If a body rebounds with same speed अगर same speed के साथ वो rebound करती है, जो कि practically possible नहीं होता, but अगर हम मान के चलें कि losses जो है वो zero है, तो अगर आपको question में आपको दे रखा है losses zero है, मतलब अगर कोई भी लॉसेस नहीं दे रखे तो मान के चलेंगे कि वो सेम स्पीड से ही रिबाउंड कर गई, तो यू से ही जा रही है और यू से ही वापस आ गई, तो पी इनिशियल इज एम यू आई कैप, पी फाइनल इज माइनस एम यू आई कैप, तो डेल्टा पी इज जीरो माइनस टू एम यू आई कैप, इट इज माइनस यू आई कैप माइनस एम यू आई कैप which is minus 2 mu i cap. इसका अगर आपको magnitude पूछा है तो वो कितना होगा, 2 mu. sir, 2 mu magnitude of the change in momentum is 2 mu. अब हम बात करते हैं, ये तो चलो हम अभी तक तो हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करवा रहे थे, अब अगर हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक नहीं करती वो किसी एंगल पे ओब्लिकली उसको स्ट्राइक करती है किसी सरफेस को, देन इफ द बॉडी स्ट्राइक्स अ सरफेस एट सम एंगल अब इसमें तुम लोगों ने क्या ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना, रट्टा मत मारना इस फॉर्मूले को, ठीक है. बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं और वहां पे जो है वो उड़ेल देते हैं और गलत हो जाती है. क्यों? क्योंकि एंगल नहीं पता किसके साथ दे रखा है, ठीक है. हम एंगल यहाँ पे वॉल के साथ बना दें, उन्होंने एंगल नॉर्मल के साथ दे रखा हो तो गड़बड़ हो जाएगी,
ठीक है, तो रट्टा मत मारना, इसको सीखो कैसे करेंगे हम। तो बॉडी ऐसे पहले स्ट्राइक की और वापस रिवर्ट बैक मार गई, ठीक है। तो अब अगर एंगल आपको वॉल के साथ दे रखा है, ये वाला एंगल है थीटा, तो ऑब्वियसली पहले पहली बात तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, ठीक है। मास है m, अब इसमें क्या है, दो चीजें हैं, या तो वो सेम वेलोसिटी से वापस आ जाए, मतलब सेम स्पीड से वापस आ जाए, या डिफरेंट स्पीड से वापस आ जाए, ठीक है। तो हम दोनों केसेस कर लेते हैं कि कैसे करना है। मान लो u और ये है v, ठीक है। तो इसमें पहला केस है रीबाउंड्स एट, रीबाउंड्स विद डिफरेंट स्पीड। अगर डिफरेंट स्पीड के साथ वो रीबाउंड करती है, तो अब इसको पहले वेक्टर में तोड़ते हैं, ठीक है, वेक्टर में तोड़ेंगे। इसके इसका जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम है, वो इस तरफ है mu, ऐसे करके इसको दो हिस्सों में तोड़ते हैं, एक हॉरिजॉन्टल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ऐसे आएंगे दो कंपोनेंट्स इसके, हाँ के ना? Yes, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये जो एंगल दे रखा है थीटा, अगर ये एंगल मुझे ऊपर बनाना है तो कौन सा होगा, ये ऊपर वाला होगा, नीचे वाला होगा? नीचे वाला। ये वाला होगा? Yes, करेक्ट। इसको वैसे तो देखो मैच लगाओ या जो लगाओ, बट हमेशा क्या होता है, एक ना सिमेट्री फॉलो होती है, क्या अगर दूसरी साइड में एंगल वर्टिकल के साथ है तो इस साइड में भी एंगल वर्टिकल के साथ ही होगा। हॉरिजॉन्टल वाला एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, वर्टिकल वाला वर्टिकल के साथ होता है। दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। हाँ ठीक है, तो ये x वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका? u sin theta, और y वाला u cos theta. ठीक है, ऐसे ही इसको रिजोल्व करते हैं, इसके भी दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। ये है v, इसमें से एंगल कौन सा थीटा होगा? वर्टिकल के साथ, इधर भी वर्टिकल है तो इधर भी वर्टिकल के साथ ही होगा। इनको कौन से एंगल्स बोलते हैं वैसे? Corresponding एंगल्स। बोली सुपर मेडिकल, बोली सुपर मेडिकल, मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी कौन सा होगा जिया कंपोनेंट? V cos theta और हॉरिजॉन्टल वाला साइन थीटा। ठीक है जी, चलो दोनों मोमेंटम्स लिखते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? साइन थीटा आई कैप m u साइन थीटा आई कैप, पॉजिटिव आई कैप है, माइनस u cos थीटा j कैप, m u cos थीटा j कैप। J वाला माइनस आएगा, I वाला प्लस आएगा, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, और फाइनल में? फाइनल में I वाला माइनस आएगा, प्लस आएगा? सर दोनों नेगेटिव आएंगे। माइनस M U, U नहीं है, V है इधर, साइन थीटा I कैप माइनस M V cos थीटा J कैप। नाउ बस आपको माइनस करना है, तो इसका एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है माइनस करके, आपको मेथड पता लग गया है क्या है। तो जो भी वैल्यूज दे रखी होंगी एम की, यू की और थीटा की, आप लोग उसको सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो जस्ट राइट दिस, बस ये करना है, फाइनली ये कर देना, ठीक है। अब इसमें ये कर लेते हैं कि अगर वेलोसिटी सेम होती, मतलब स्पीड सेम होती, if it rebounds with same speed, तो v की जगह भी u होता, v किसके बराबर है, u के। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोबारा लिख लेते हैं, बस फोटो वही हो बनेगी, सेम ही बनेगी, v की जगह u हो जाएगा बस। तो m u sin theta i cap minus m u cos theta j cap, और P फाइनल होगी, दोनों नेगेटिव, MU sin थीटा I कैप
minus mu cos theta j cap. Tell me one thing. अगर यू और यू से ही है तो ये बॉल जो है कौन सी डायरेक्शन में अपना मोमेंटम चेंज नहीं कर रही? एक्स वाले में वाई वाले में वाई वाले में एक्स वाले में मोमेंटम चेंज वाई में करेक्ट वाई वाले में देखो इनिशियली वो नीचे वाई वाले में चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वाई में इनिशियली वो नीचे को आ रहा है और फाइनली भी वो नीचे को ही आ रहा है. हाँ के ना? Yes, sir. और एक्स में इनिशियली वो राइट को जा रहा है और फाइनली वो लेफ्ट को जा रहा है तो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. तो वाई में चेंज नहीं हुआ, एक्स में चेंज हो गया. और इसको अगर हम माइनस भी करेंगे, इसको तो माइनस करके लिख लेते हैं हम, डेल्टा पी पी एफ माइनस पी आई क्या आएगा? 2mu sin theta माइनस 2mu sin theta आई क्या? इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 2mu sin theta, ये मैग्नीट्यूड है. और यहां पे थीटा क्या था? थीटा इज एंगल विद द वॉल, विद द वॉल या फिर सरफेस. अब क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, इसको रट्टा मार लेते हैं 2mu sin थीटा, ठीक है? और बाय चांस क्वेश्चन में एंगल आ गया एंगल विद द नॉर्मल, तो ये तो गलत हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर एंगल ये नॉर्मल के साथ होगा तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2mu sin थीटा की जगह? अगर नॉर्मल के साथ एंगल दे रखा है तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? अगर तो इसको याद रखना है तो साथ में एंगल भी याद रखना किसके साथ दे रखा है, अदरवाइज फोटो बना लो साथ में. सबसे मैं तो कहूंगा आसान तरीका है, फोटो बनाओ साथ में, ठीक है? तो मैं साथ में लिख देता हूं, और डेल्टा पी इज इक्वल टू, यहां पे लिख लो साथ में 2mu cos थीटा इफ थीटा इज एंगल विद द नॉर्मल. नॉर्मल बताना आपको क्या होता है? Yes. वो ऑप्टिक्स में जो किया था 10th में, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन. ऐसे स्ट्राइक कर रहा है और ये वाला एंगल दे रखा है तो थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा. बस ये ध्यान रखना आप. नोटेड? यस सर. यस सर. ठीक है. नेक्स्ट चलो बाकी हम कल कर लेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही. विल कंटिन्यू द केसेस टुमारो. ओके, बाय बाय. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके. थैंक यू सर. ओके जी. ओके, बाय बाय. थैंक यू सर. सर, कल वाला क्वेश्चन करवाया था आपने क्लास में स्टार्टिंग में, क्या जो कल होमवर्क दिया था क्वेश्चन एक का, वो क्लास में करवाया था आज आपने? हाँ कराया था. यू जॉइंड लेट? यस सर. अच्छा, वो देख लेना, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग में देख लेना फिर. ओके सर. ठीक है.